हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो यार मैं ना जा रही हूँ खाटू श्याम जी, मतलब मेरा ना यार काफ़ी टाइम से मन था कि मैं खाटू श्याम जी जाऊँ, दर्शन करूँ, लेकिन कभी ना मौका ही नहीं मिल पाता था। जब जब प्लान करते थे तो ऐसे ही हो जाता था। तो मेरे ना मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो हमने सोचा चलो यार खाटू श्याम चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो मैं खाटू श्याम के लिए निकल गई नोएडा से, और रास्ते में ना यार मतलब फ्लाईओवर पार करने के बाद हमें भूख लगी, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे। तो उसके बाद हमने खाया खाना। अच्छा वैसे ना ढाबे का खाना बहुत टेस्टी लगता है आपको, और समटाइम्स आप खाते हो क्योंकि ट्रैवल पे जाते हो तो ही खाते हो, वैसे तो आप रोज़ नहीं खा सकते हो, लेकिन काफ़ी टेस्टी लगता है यार। तो मैंने पूरी फैमिली के साथ मिलके खाया ढाबे का खाना, मतलब आलू का पराठा। अच्छा मैं तो ना यार कहीं भी ट्रैवल पे जाती हूँ ना, तो मेरा तो सबसे पहले ये रहता है कि मुझे आलू प्याज का पराठा दे दो, मतलब उसके अलावा ना आप सोचते हो कि रिस्क क्यों लूँ, अच्छा हो ना हो। इसके बाद मैं पहुँच गई निमराना। निमराना राजस्थान में पड़ता है, तो यहाँ पर ना मेरा अपना फ्लैट है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले हम वहाँ पर स्टे करेंगे, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे, क्योंकि सीधा खाटू श्याम जी जाएंगे तो थोड़ा मतलब थक जाएंगे। तो हमने सोचा कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे दर्शन करने, लेकिन हम उसी दिन फिर हमने सोचा रेस्ट करके जाते हैं। तो ये ना मैं वहाँ पे गई थी, तो मैं देख रही थी, थोड़ा इंटीरियर कराया था, तो देख रही थी कि कैसा इंटीरियर हुआ है, क्या सारी चीज़ें हैं। अच्छा इतनी गर्मी थी ना यार, मतलब नोएडा में तो गर्मी है लेकिन निमराना में तो और ज़्यादा गर्मी थी, काफ़ी गर्मी थी। अच्छा इतनी गर्मी में आप कहीं जाओ ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना स्वेट हो जाता है, कहीं जाने का मन ही नहीं करता। बट ये था कि यार जाना था, इसी बहाने दर्शन भी हो गए क्योंकि एनिवर्सरी थी मम्मी पापा की, तो हम लोग निकल गए रेडी होके खाटू श्याम जाने के लिए। निमराना से भी खाटू श्याम ना वैसे तो मतलब 3.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, बट इतना ट्रैफिक था कि मतलब हम लोगों को ना 5 घंटे लग गए। तो बीच में हम लोगों ने रुक के कुछ स्नैक्स लिया, और उसके बाद हम वापस से निकल गए रास्ते में दर्शन करने के लिए। और ये देखिए आपको ना मतलब राजस्थान में पहाड़ दिख जाएंगे, और मतलब मुझे लगा ना यार इतनी गर्मी है सिर्फ मैं ही जा रही होगी दर्शन करने, या कुछ लोग आएंगे, भीड़ नहीं होगी, बट यार इतनी भीड़ थी। आजकल ना मतलब खाटू श्याम जी को बहुत लोग मानने लग गए और काफ़ी भीड़ बढ़ गई है। पहले तो इतनी भीड़ नहीं होती थी, बट अब काफ़ी भीड़ हो गई है वहाँ पे। इसलिए मैं हम लोगों ने पहले खाना खाया थोड़ा, हमने कहा यार पहले ना खाना वाना खा लेते हैं फिर लाइन में लगेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ना वहाँ पे आसपास भैया से पूछ लिया था जिनकी शॉप्स होती है कि कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला ना आपका 3-4 घंटे में नंबर आएगा, तो मैं तो ना सुनते ही मतलब डर गई। मैंने कहा यार 3-4 घंटे, ऑलरेडी रात हो रही थी, लेकिन गर्मी के लिए ना इन लोगों ने इंतज़ाम भी कर रखे थे, देखिए ये लगा रखा है ना, इसमें से पानी निकल रहा था, बट फिर भी यार गर्मी तो गर्मी थी। मतलब हम लोगों ने ना रात में दर्शन किए, मैं तो ये सोच रहे थे कि अगर हम दिन में करते तो क्या हाल होता, रात में इतनी गर्मी थी। और भीड़ तो आप देखो यार इतनी भीड़ थी, मतलब वो लोग इतनी जल्दी जल्दी दर्शन में निकाल रहे थे लाइन में से, बहुत भीड़ थी रात में, इतनी भीड़ थी इतनी गर्मी में। खैर वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब इंतज़ाम थे, वहाँ पे फ़ैन चल रहे थे और ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद यार हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, और फिर हम लोगों ने वहीं स्टे किया और हम सुबह निकल गए नोएडा के लिए। और उससे पहले मैंने किया ब्रेकफास्ट, ऑफकोर्स पेस पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ना यार इस बार बीकानेर में खाया, क्योंकि मुझे ना वो ढाबे का पराठा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो यार इस बार ना मैं बीकानेर रुक के खाती हूँ रास्ते में। और इसके बाद मैंने ना छाछ वाछ पिया, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार। एज़ यूज़ुअल मैंने खाया पराठा, क्योंकि मुझे ना यार पराठा बहुत पसंद है, और पूरी वगैरह, मतलब वहाँ की ना बीकानेर की मुझे अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।